पहले सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए भैया, 5 मिनट का थोड़ा सा खाली जगह छोड़ दीजिए, 5 मिनट का टाइम दे दो बस, आप सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी। पाँच मिनट 15 अगस्त 2013 को, 15 अगस्त 2013 को 150 लोग थे वहाँ पर, जहाँ पे संस्कार दीक्षा, संस्कार जो उनका संस्कार है, जो संस्कार है आपको, अरे भाई आप अपनी बात करिए, अरे अपनी बात करो, मैं यही पे हूँ, मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता था संतराम बापू जी से, ठीक है ना, मेरे घर वालों ने कुछ ले रखी है, मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदारों ने भी ले रखी है, उनका उनका जो वातावरण, उनका चेंज जीवन में जो है उससे मैं प्रभावित हूँ। आप एक मिनट, मतलब देखने के बाद उनके केस को स्टडी करने के बाद आज मैं कह रहा हूँ 10 साल के बाद आप मुझे बताएं सनातन संस्कृति होती क्या, आप यहाँ पे पोस्टर पे लिखवा के लाए सनातन संस्कृति, तो यह बताएं सनातन संस्कृति आखिर होता क्या है। सनातन सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, सवाल मेरे लिए कि इनसे सनातन को तो सीधा गोली मार देना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम गोली मार देंगे। अरे भाई मेरे बात कर ले, अरे बात कर ले, थोड़ा सा आगे हो जाओ, पढ़ना पड़ेगा हमारा धर्म ग्रंथों को प्रणाम कर रहे हैं। ये देखो ये बात होगी पूरी, हमारा नाम प्रदीप यादव है और भरी सभा में कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए बचाने का काम किया था, हर जगह यादवों ने नारी का सम्मान रक्षा किया है, ऐसे लोग धर्म गुरु बनेंगे, ऐसे लोग धर्म गुरु बनेंगे, ये दोस्त ये देश में ऐसे लोग। भाई मैं बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, भाई चिल्लाने से कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या बात है, मैं शिक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखो 10 साल पहले 2013 मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता था संतराम बापू जी से, ठीक है ना, मेरे घर वालों ने कुछ ले रखी है, मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदारों ने भी ले रखी है, उनका उनका जो वातावरण, उनका चेंज जीवन में जो है उससे मैं प्रभावित हूँ, ठीक है ना, और मैंने मैं लेना चाहता हूँ, मैं इनके आश्रम में जाता हूँ, कहते हैं क्या कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं संस्कार दीक्षा, संस्कार दीक्षा, संस्कार दीक्षा, संस्कार जो उनका संस्कार है, जो संस्कार है आपको, अरे भाई आप अपनी बात करिए, अरे अपनी बात करो, मैं यही पे हूँ, हमारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है, इस तरह की बातें करते हो पहले सुन लो, आप अपने पहले पहले एक एक कर संभाल लो, अरे गलत बात आप कर रहे हो, आप एक एक करके बात करो, घर के मैं कर रहा हूँ समर्थन, मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला समर्थन कर रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं समर्थन, ठीक है ना, चश्मा उतारिए, थोड़ा शांति पहले सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, आप कौन हो, वकील हो, वकील हो, आम आदमी हो ना मेरी तरह, आम आदमी हो ना, हाँ आम आदमी हो ना, तुम उसका पिट्ठू हो, हाँ हाँ बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ उनका पिट्ठू, मैं बनना चाहता हूँ, बनोगे ना तुम, पिछले अपने परिवार के वालों को क्यों नहीं लेकर आए, देखो इतने सारे लोग हैं, सवाल लेके आओ अपने परिवार वालों को लेकर आए, थोड़ा सा आगे, थोड़ा थोड़ा मैम बिल्कुल दीवार पे घट बोल, दीवार पे घोट दिया, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा 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 पीछे हो जाओ, पूरे भारत की मीडिया से अपील करना चाहता हूं, मेरी औकात नहीं बनने, अगर आपके घर में माँ बहन है तो ऐसे लोगों को ना दिखाने का काम करें, ठीक है, इनकी बात क्या बोल
आप झूठ को फॉलो करो, एक मिनट फॉलो करना है, थोड़ा सा जगह करो, भगत सिंह को फॉलो करो। आप पढ़े लिखे ऐसा क्यों कर रहे हो यार? क्या कि मैं आपके कहने से करूंगा, मैं अपनी बहन को राष्ट्रपति मोदी से आप ही अरे यार क्या है, एक बार बात सुनो, मुझे इनसे क्या, इनसे या इनको सुन लो या मेरे को सुन लो, ऐसा है ना। देखो अब आप एक एक करके प्रश्न पूछेंगे, एक एक करके पूरी बात तो सामने आया। आप पूछिए पहले आप क्या कहते हैं, आप ये बोलो कि इनका समर्थन क्यों कर रहे हो, क्यों समर्थन कर रहे हैं आप, समझा देते हैं। आप तो भक्ति में लोटे हो भाई। अरे नहीं भैया, पहले तो मैं बता दूं, मैं इनके इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। दीक्षा लेना चाह रहे हो क्यों? क्योंकि मैंने जो जिनसे लोगों ने दीक्षा ली है उनके जीवन में परिवर्तन हुए हैं, अच्छा लग रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी जो है, आपसे सवाल है, जिंदगी में आशाराम बापू जो है उनपे जो गंभीर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, सारे फेल है, सारे फेल है, सारे फेल है। इधर देख लीजिए, कोर्ट की है ये हियरिंग सुन लीजिए, ठीक है ना। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, देख लो ना, वही तो कह रहा हूँ। जो उनके देखो, अब देखो, अब आपका प्रश्न है कि सवाल पहले आप ऐसे रेपिस्टों का समर्थन कर, बिल्कुल पहले क्या है कि जो लड़की है ना, सबसे पहले लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। किसी भी लड़की को न्याय कम मिलेगा, कम मिलेगा जब किसी लड़की को न्याय मिलता है, तभी उसको न्याय मिलता है। नहीं मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ, हम 10 साल हो गए इस बात को देखते देखते, ठीक है ना। आप 10 साल के अंदर अपराधी नहीं होता है ना, अन्याय न्याय में देरी भी न्याय होता है। आप समझ नहीं रहे न्याय, अरे बताइए जो राम रही है क्या वो सत्य थे? मुझे क्या मालूम भाई, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है, मैं दुनिया का ठेका नहीं ले रखा मैंने। पहले आप इनका केस बिल्कुल सच्चा है, ठीक है ना। नहीं इनका केस बिल्कुल सच्चा है। हम 13 तारीख को इनके लिए आए थे यहाँ पे प्रदर्शन करने, ठीक है ना। इनके साथ पूरी हमने बात कही है कि आपको जिस तरीके से आप क्या कहते हैं, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो गलत है? आपके कहने से नहीं होता है ना, आपको मैं तो फैक्ट मानता हूँ, फैक्ट मानता हूँ। हाँ बता, आप गलत ठहरा रहे हो। कौन सा कोर्ट? कोर्ट के फैसले से हाँ, जो हाँ उससे आगे भी कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है ना। सुपर हाई कोर्ट कोई जो है, कोई भी जो है ना, जब तक न्याय जब तक पूरा नहीं माना जाता सुप्रीम कोर्ट से ना आए, कैसे न्याय होगा क्या उनके? भाई न्याय तो न्याय है, वो किसी भी कोर्ट से मिले। हाँ तो आप कैसे कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता तब तक आप नहीं मानेंगे? देखो मैडम, आप कोई न्याय का कोई आप फैसला पढ़ते हो, पहले कोई जब कोई फैसला पढ़ते हो ना, क्या बाबूजी कुछ पैसा वैसा दिए है ये यहाँ पे आकर के? इतना पैसा मिला तुम्हारे दिमाग में, कम से कम 10 करोड़ रुपया मिलेगा मेरे को, ठीक है। भगवान देंगे, कैसे? आसमान से देंगे, जैसे आप आ गए। अरे सुनो, आप भी देंगे, आसाराम बापू देंगे क्या? अरे सुनो, अरे घर परिवार वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में यार? क्या सोचेंगे? मैं अपने घर वालों के बारे में चमक सिर्फ लाइम 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 लाइम। अच्छा ये बताइए, सुनिए सुनिए मैं तो ऐसे भाषणबाजी करके चला जाता हूँ। वो अभी जो चमत्कार दिखा रहे हैं ना, अरे भैया मेरे को बताइए, जो वो चमत्कार अभी दिखा रहे हैं, अरे यार भैया आप इनसे बात करो ना, आप प्रश्न चमत्कार दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं चमत्कार। अरे देखो, अरे यार बोलिए। हाँ जी देखो, मैं आपको जवाब देना है तो बाद में हम लोग पहले कोई भी कोर्ट का फैसला आता है ना, उसके बाद पढ़ते हैं कि भाई किस वजह से क्या है, क्या रीजन है, क्यों फैसला आया है। फैसले के अंदर पढ़ा ना तो रेप का कोई चार्ज है, ठीक है ना, ना ही कोई फिजिकल असॉल्ट का कोई चार्ज है आसाराम बापू जी के ऊपर, ठीक है ना। दूसरा ना कोई वहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई इसका कोई साक्ष्य है, ठीक है ना। बेटी को झूठ बता रहे हैं? अरे भैया सबूत देखो ना यार, आप क्या बात कर रहे हो, क्या सबूत क्या किसी का है जेल? हाईकोर्ट का जेल में बंद है यार वो, हाईकोर्ट का फैसला है ये, जो नीचे वाला निचली जो जगह होती है सेशन कोर्ट का फैसला है। तो फिर आप वाले सुन लो, सुनते तो होनी भैया आप, ठीक है ना। देखो आप पहले पूरी चीज को सुन लो, मैं काफी टाइम से पढ़ रहा हूँ चीज को। आप कह रहे हो कि आसाराम की लीगल टीम ने उन्हें फंसा दिया? हाँ और आप सही हो, बिल्कुल बिल्कुल।
के फंसा दिया ना। हाँ देख लो और उसका सबूत क्या दिखाता हूँ आपको, देख लो देख लो। 16-17 अप्रैल 2023 को कोर्ट कह रही है कि अभी फैसला करो, ठीक है ना। पहले सुन लो, 10 साल में केस लड़ने के बाद जो टीम कह रही है, अप्लाई कर रही है कि जुलाई में हमें हियरिंग के डेट दीजिए, मतलब कोई तैयारी नहीं कर रही। ये क्या करते हैं, हर बार डेट देते हैं। मैंने भी बताया ना, कोई सबूत ही नहीं है तो किस बेसिस पे कोर्ट पे हियरिंग करेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर रेप का लगा होगा वो वकीलों को भी समझ में आ गया कि भाई साहब हमारे घर में भी बैंड बैठ गया है। मीडिया में हो क्या, चौथी पांचवी पास पर करके आए, बार बार वही कह रही है। कोई जो आपने चार्ज पढ़े हैं इनके, आप चार्ज पढ़े हैं, आप चार्ज पढ़े हैं, आप चार्ज पढ़े हैं, चार्ज पढ़े हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले देखो, आप पहले सुन लीजिए, पहले घटनाक्रम हो सकता। हाँ मैं तो एक बात बताना भूल ही गया, जो मैंने सीरीज बनाई है ना उसे आप देखो भैया, एक मिनट थोड़ा पीछे हो ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा जाओ, आप इसको जरा कवर करना, सारे क्वेरी सॉल्व हो जाएगी एक ही बार में, ठीक है। पहले देखो, सुनो सुनो, देखो पहले सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए भैया, 5 मिनट का, थोड़ा सा खाली जगह, 5 मिनट का टाइम दे दो बस, आप सारी क्वेरी खत्म हो जाएंगे। पाँच मिनट, 15 अगस्त 2013 को, 15 अगस्त 2013 को 150 लोग थे वहाँ पर, जहाँ पे 11:15 से लेके, मतलब 9:30 बजे से लेके 11:15 बजे तक शादी सेरेमनी और सत्संग का कार्यक्रम चला, ठीक है ना। लड़की कह रही है कि 10:30 बजे के बाद हमारे साथ कोई घटना हुई। भाई ये सब ना मिसलीड पांच जाती है। नहीं आप पहले सुन, मैं 5 मिनट सुन ली, 5 मिनट नहीं दे रहे आपको, सारे सवाल करूंगा मैं शाम तक यही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ये 11:15 बजे तक हमारे पास सबूत है, 12:15 बजे तक के वहाँ पे सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, ये फोटो है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, 19 इसमें जो है टाइम बताया गया है। ये क्या लिखा आपने, ये कांटेक्ट करने के लिए बुक फॉर कांटेक्ट क्या है? अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि भाई षड्यंत्र हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, एजेंट लगते हो मुझे। हाँ पहले उसको छोड़ो, पहले सुन लो, अब यहाँ पे अभी देखो, फिर उसके बाद क्या होता है। 5 मिनट नहीं दोगे, 5 मिनट नहीं दे सकते।